Guys, we have completed hydroelectricity, right? How to generate a hydroelectricity in a hydroelectric power plant. तो पानी से तो हमने electricity generate कर ली. अब क्या करेंगे? We'll generate electricity using हवा. हवा मतलब wind energy, right? So that's our next concept. अच्छा, जिस तरह से पानी was a clean source of energy, right? कुछ धुआं नहीं निकलता था, कुछ जलता नहीं था, कुछ atmosphere air pollution कुछ नहीं होता था. उसी तरह से wind energy is also a very clean source of energy, मस्त source of energy है. कोई धुआं नहीं उठने वाला है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा अस्थमा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इट्स वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली आई मे से, राइट? सो दैट्स द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वी विल फोकस ऑन, दैट इज विंड एनर्जी. दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ विंड फार्म्स देखे होंगे. मैं फिर से वर्ड रिपीट करता हूं, ये वर्ड टेक्सबुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं. विंड फार्म्स हमारी रफ लैंग्वेज में, इंजीनियर लोगों की लैंग्वेज में, आप जानते हो मैं इंजीनियर हूं, राइट? इंजीनियर लोगों की लैंग्वेज में हम लोग इन्हें विंड फार्म्स कहते हैं. फार्म्स किसे कहते हैं? फार्म्स हमें पता है खेत को कहते हैं, राइट? खेत से हमें गेहूं मिलता है, फिर सब्जियां मिलती है, राइट? वो हमें कुछ देता है. उसी तरह से विंड फार्म्स वो होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. अब क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम को देखो, ठीक ठाक ही बना है, जरा देखो कैसा है डायग्राम. तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा हवा चलेगी, राइट? आपने देखा होगा तेज हवाएं चलती है, बिल्कुल हवाएं चलती है, तेज हवाएं यहां पर चल रही है, हवा चल रही है. ये हवा क्या करेगी पता है? ये ब्लेड्स पे जाकर के लगेगी. इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में, कैसा होता है वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, एक्चुअली देखने मिलेगा हवा से कैसा मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ, राइट? एंड लेट मी टेल यू, हवा से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज विंड हैज अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये जब हवा चलेगी तो ये ब्लेड घूमेंगे, राइट? इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ. आप लोगों ने दोस्तों बचपन में ऐसा देखा है, बाइक या स्कूटर के आगे बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा ब्लेड लगा गया, ऐसा कुछ खिलौना पेपर का होता है, जब हवा जाती है तो घूमता है, राइट? पिंक कलर का ऐसा डंडी होती है और पेपर का ऐसा खिलौने की तरह होता है, राइट? उसमें ब्लेड्स की तरह होते हैं. तो जैसे ही हवा जाती है वो ब्लेड्स घूमने लगते हैं, राइट? मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे वीडियो में आप देखेंगे कि एयर जब फ्लो होती है तो ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं. अब ब्लेड्स घूमने लगेंगे तो क्या होगा, इनको ब्लेड्स भी कहते हैं दोस्तों, इन्हें फिन्स भी कहते हैं, ठीक है? दोनों कहा जा सकता है. जब वो ब्लेड्स घूमते हैं ना, तो एक्चुअली वो ब्लेड ना टर्बाइन की तरह ही है. जिस तरह से हमने देखा था टर्बाइन में, ऐसा टर्बाइन होता है, पानी लगा टर्बाइन घूमना चालू हुआ, राइट? बराबर. और टर्बाइन के भी ब्लेड थे. उसी तरह से यहां पर घुमाने वाला कौन है पता है? एयर घुमाएगा. जैसे एयर आएगी, हाई स्पीड एयर, अगर नॉर्मल एयर है तो ये घूमेगा नहीं, हाई स्पीड एयर की मुझे जरूरत रहेगी, राइट? ओके, सो हवा की वजह से ये ब्लेड्स घूमेंगे. ये ब्लेड्स घूमेंगे तो देयर इज इनसाइड, देयर इज अ गियर बॉक्स. ओके, अब ये गियर बॉक्स क्या करेगा दोस्तों? आप कार में बैठे हो क्या? हाँ, बहुत सब कार बस में तो सब बैठे ही होंगे. कार और बस में हम कभी ड्राइवर को देखना, उसके हाथ के पास ऐसा गियर होता है, राइट? आपने देखा गियर चेंज हो करता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर. वो गियर चेंज करने का काम क्यों करता है? बिकॉज जब हम गियर चेंज करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी स्पीड बढ़ती है, राइट? स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ता है. अगर मैं बोलूं जरा ऊपर वाले गियर में जाओ, फिफ्थ गियर में गाड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी एकदम फास्ट चलेगी, राइट? फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में गाड़ी फास्ट चलेगी. इसका क्या मतलब है? गियर बॉक्स जो यूज होता है ना, वो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो यहां से मेरा ब्लेड घूमेगा हवा की वजह से, पर हवा की वजह से वो इतना फास्ट नहीं घूमेगा, स्लो घूमेगा. उसके बाद हमने लगाया गियर बॉक्स जो स्पीड को बढ़ा देगा, और एक बार स्पीड बढ़ गई, एकदम फास्ट घूमने लगा, तो हम उसे किससे कनेक्ट कर देंगे? जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, राइट? एक बार जनरेटर से कनेक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा काम है, राइट? सो दैट्स द बेसिक कंसेप्ट. हवा से हवा आई, इट मेड द ब्लेड्स टू रोटेट. और ये शाफ्ट भी होगा, शाफ्ट मतलब एक ऐसा रॉड की तरह होगा जो उसके साथ घूमेगा, ठीक है? कनेक्शन के लिए, इट्स जस्ट फॉर कनेक्शन. गियर बॉक्स और फाइनली जनरेटर. ओके, तीन चीज है, एक्चुअली चार चीजें हैं. सबसे पहले विंड विद हाई वेलोसिटी. आई जस्ट ड्रॉ डाउन द लेआउट. विंड विद हाई वेलोसिटी आई, जैसे ही विंड आई उसने किसको घुमाया? मेरे ब्लेड्स को घुमाया, राइट? विंड, और इस तरह की टर्बाइन को कहते हैं विंड टर्बाइन. पिछली तरह की टर्बाइन को कहते हैं वाटर टर्बाइन, राइट? मैंने आपको वाटर टर्बाइन दिखाया था, वो वाटर से वजह से घूमती है. ये विंड की वजह से घूमेंगे, इसके लिए हम इसे विंड टर्बाइन कहेंगे, ठीक है? So wind eye with high velocity या air with high velocity came and it gave its energy to what? Wind turbine with large fins. With large fins. Fins या blades भी कह सकते हैं हम. Okay?
उसके बाद जैसे ही फिन्स घूमने लगे एनर्जी आई, वो किसे घुमाएगा? जनरेटर, सॉरी गेयरबॉक्स को घुमाएगा, और फाइनली गेयरबॉक्स से हमारी एनर्जी जाएगी जनरेटर को. राइट, सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स, आई मीन से दीज आर द कॉम्पोनेंट्स और स्टेजेस ऑफ अ विंड टर्बाइन. सो लेट मी जस्ट राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट, क्विकली कुछ लिख लेते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आई विल राइट डाउन व्हेन विंड्स विद हाई वेलोसिटी ब्लो विद high velocity blow, they cause the turbine to rotate, or they cause the wind turbine blades to rotate, wind turbine to rotate blades keh sakte hain, to rotate, theek hai, barabar, to rotate. Jaise hi wind turbine ghoomne lagegi, it will there is a gearbox attached to it, जो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, राइट. सो आई कैन जस्ट से ऑन द एक्सल ऑफ द टर्बाइन देर इज अ गेयर बॉक्स दैट इज कनेक्टेड दैट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन द एक्सल. नाउ व्हाट इज दिस एक्सल? इस शाफ्ट को एक्सल भी कहते हैं, ठीक है. इस लाइन, ये जो घूम रहा है इसके ऊपर उसको एक्सल कहते हैं. ऑन द एक्सल ऑफ द टर्बाइन a gearbox is connected which increases the speed of rotation, which increases the speed of rotation. और finally gearbox से हम किसको घुमाएंगे? Gearbox से हम generator को drive करेंगे. Okay, so I can say the gearbox drives the generator, generating electricity, right? Okay, it will generate definitely electricity. So, दोस्तों, जैसे ही गेयर electricity generate हुई, हम electricity को use कर सकते, right? So, if you want to draw down the energy diagram, एनर्जी डायग्राम में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले एनर्जी थी मेरे किसके पास? एनर्जी थी मेरे एयर के पास, राइट. और कौन सी एनर्जी थी? एयर या विंड के पास थी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट वॉज मूविंग, राइट. यू नो एनीथिंग दैट इज मूविंग विल हैव काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड. ये जैसा लगा टर्बाइन को, तो टर्बाइन घूमने लगा मतलब इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टर्बाइन. Energy of the wind turbine. और जैसे ही wind turbine घूमने लगा दोस्तों, then हमारे पास electrical energy आ गई, right? Then we have electrical energy. Fine. So this is the energy flow. Very quick energy flow diagram of my wind turbine, या wind energy भी कह सकते हैं. इसको wind turbine भी कह लो तो wind turbine कह सकते हैं, या विंड एनर्जी जनरेशन कहना है तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है. दैट्स ऑल्सो द सेम थिंग, बात तो वही हो रही है. वी आर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम विंड, ओके. बट दोस्तों लेट मी टेल यू कितना पावर बन सकता है विंड टर्बाइन. बहुत अच्छा ज्यादा पावर बना सकता है. इट कैन जनरेट अप फ्रॉम 1 kW टू अराउंड 7000 kW, ओके. सो विंड टर्बाइन्स कैन जनरेट पावर from 7 kW, okay, from, sorry, 1 kW to, छोटी सी विंड टर्बाइन भी हो सकती है, to 7000 kW. 7000 kW can be written as 7 MW, okay. 1000 kilo make 1 mega, okay. So इतना पावर कौन जनरेट कर सकता है? विंड टर्बाइन हमारी जनरेट कर सकती है. पर दोस्तों जरूरी ये है कि हम विंड टर्बाइन को सही जगह लगाए, ओके. हमें विंड टर्बाइन को ऐसी जगह लगाना है जहां पर हमें बहुत तेज हवाएं मिलती हो, राइट. अगर उसे ऐसी जगह लगा दे जहां हवा आती नहीं है तो चलेगी कैसा विंड टर्बाइन? विंड टर्बाइन चलेगी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी बनेगी, राइट. हेंस उसे सही जगह लगाना बड़ा जरूरी होता है, ओके. लेट मी टेल यू गाइस, इंडिया में
इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टूवर्ड्स द साउथ, अगर आप लेट्स से दिल्ली से या मुंबई से साउथ की तरफ जाओगे, चेन्नई की तरफ जाओगे ना ट्रेन में, तो आप देखो कि आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश एंटर करते हो ना, तो आंध्र प्रदेश में कई जगह ऐसे विंड टर्बाइन्स लगे हुए, ट्रेन से दिखता है, ठीक है, विंड टर्बाइन लगे, आप देखोगे वो विंड टर्बाइन घूम रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. कभी आप लोग आंध्र प्रदेश जाओ ना, या आप लोग अगर इस, तो जरा ध्यान से देखना, वहां पर बहुत सारे विंड पावर प्लांट हमें ट्रेन में से ही देखने को मिलते हैं. ओके, सो ध्यान रखना कभी ऐसा गए तो. ओके, तो दीज विंड टर्बाइन्स का लोकेशन या विंड पावर प्लांट का लोकेशन बहुत जरूरी है. जनरली जैसा कि मैंने कहा, हम ऐसी जगह लगाएंगे जहां बहुत तेज हवाएं आती हो. और दोस्तों ज्यादा करके तेज हवाएं कहाँ आती है, सी शोर्स के आसपास आती है, राइट. सो प्लेसिंग द विंड टर्बाइन at locations where there is a good flow of wind, right, good flow of wind. Okay, jaise for example near the seashore ke aas paas jaoge, aap log dekhoge dosto, jab darya kinare jaate ho to wahan par bahut tez hawaein hamesha aati rehti, right. और वो तेज हवाएं मानसून सीजन में तो और भी फास्ट हवा आती है. तो वहां पर उस जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, विंड टर्बाइन यूज कर सकते हैं, ताकि वो हम एनर्जी कैप्चर कर सके, यूज कर सके. ओके, एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, छोटी छोटी विंड टर्बाइन भी होती है, बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन भी होती है. जो बड़ी विंड टर्बाइन होती है उनकी हाइट भी ज्यादा होती है, उनकी साइज भी ज्यादा होती है, राइट. जो छोटी विंड टर्बाइन होती है उनकी साइज भी छोटी होती है, और उनको हम कम हाइट पे भी रख सकते हैं. ओके, सो दैट डायग्राम इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, आप चाहे तो रेफर कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, विंड टर्बाइन या विंड एनर्जी इज अ वेरी क्लीन एंड नाइस सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी कैन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस गाइज, देन इसके बाद वील गो ऑन टू द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी नीड टू आई कैन से take into account, that is something called as solar energy. Let's look on to the last concept of this chapter, that is electric energy generation from solar energy. Okay, so the last one is electric energy generation from solar energy. So, दोस्तों आप सभी को पता है सोलर एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज दैट एनर्जी दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन, राइट. हमें पता है सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सन के पास बहुत सारी हीट है, और वो हीट हमें धूप के तौर पे मिलती है, सोलर एनर्जी के टाइम हमें धूप मिलती है, राइट, दिन में. सो दैट इज नथिंग बट सोलर एनर्जी, राइट. सो सोलर एनर्जी इज नथिंग बट, ये तो आपको पता ही है, बचपन में पढ़ा है, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, from the sun. And guys, this solar energy is considered as an inexhaustible source of energy. जिस तरह से coal या मैं fossil fuel की बात करूँ, या petrol की बात करूँ, या natural gas की बात करूँ, ये सब जो fuels है वो खत्म हो जाते हैं, right? एक बार हम use करते हैं. पर अगर मैं बात करूँ wind energy की, अगर मैं बात करूँ hydro energy की, hydroelectric energy की, या मैं बात करूं सोलर एनर्जी की, तो ये इनएग्जॉस्टेबल है, बहुत सारे, खत्म नहीं होने वाले, राइट. सो आई कैन जस्ट राइट दैट डाउन अबाउट देम, दैट दिस इज इनएग्जॉस्टेबल. सो हमें ज्यादा से ज्यादा करके इनका यूज करना चाहिए. एंड जिस तरह से मेरा विंड एनर्जी वाज अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह से आवर दिस यानी सोलर एनर्जी इज ऑल्सो अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. एंड इट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम्स टू आवर एनवायरमेंट. नाउ अबाउट द सोलर एनर्जी गाइस, सोलर एनर्जी से अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो दो तरीके हैं. लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. सोलर एनर्जी से मुझे क्या जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है. सो देयर आर टू वेज, नंबर वन एंड नंबर टू. द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल, लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. बाय यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल्स, ये पहला मेथड है. ये फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करेंगे दोस्तों, पता है, ये डायरेक्ट हमारे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. आप लोगों ने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, शहर में भी देखा होगा, कुछ कुछ बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ब्लू कलर के सोलर सेल लगा के रखते हैं, राइट. छोटे छोटे सोलर सेल के पैनल होते हैं. मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, इमेज भी दिखा दूंगा, चाहिए तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, उनकी इमेजेस है हमारे पास वो पैनल्स की, राइट. तो
वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल, वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को, जो सन की हीट सोलर एनर्जी आ रही है, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज इट, दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फर्स्ट मेथड है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का, दैट सेकेंड मेथड इज By using of a turbine generator, turbine generator technique. Now, what exactly happens in a turbine generator technique? तो in a turbine generator, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप solar energy को convert करोगे thermal energy में, यानी heat energy में। ये थोड़ा लंबा है, कैसा है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप convert करोगे solar energy को thermal energy में यहां पर। फिर thermal energy दोस्तों हमें पता है will drive the turbine, right? Thermal energy से हम turbine चला सकते हैं, बराबर, हमने thermal power plant में देखा है। Turbine generator चलाएगा और generator हमें electricity देगा, right? Electrical energy देगा, right? Okay, so this is the way, long way। मैं आपको ये बातें पढ़ाने वाला हूं, पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए भूल जाओ, लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सीधा जैसे ही वहां उसके ऊपर क्या गिरेगा, सूरज की धूप गिरेगी, राइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देगा। लेट अस लुक इनटू दैट। सो दैट्स द फर्स्ट कांसेप्ट वी नीड टू लुक एट इन दिस, दैट इज, उसका पूरा नाम है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स। सो दोस्तों ये सेल्स होते क्या है, तो डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। When solar energy of the sun falls on it in the form of sunlight, these cells, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दीज सेल्स कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट ये क्या बना देते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर देते। ओके, फाइन, ठीक है। एंड दोस्तों ये फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हमारे, वो किस चीज से बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। नाउ सेमीकंडक्टर क्या है, आप लोग फिजिक्स में आगे जाके लाइफ में पढ़ोगे, पर अभी फिलहाल के लिए याद रख लो, ये फोटोवोल्टिक सेल एक स्पेशल टाइप के मटेरियल के बनते हैं जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, एंड अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। आप लोगों ने सिलिकॉन नाम का मटेरियल सुना है, बिल्कुल सुना है, कहां सुना है, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट, चैप्टर नंबर 2 में, वहां पर देखो सिलिकॉन नाम का एक मटीरियल है। सो दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ सेमीकंडक्टर, और ये जो फोटोवोल्टिक सेल है वो सेमीकंडक्टर से ही बने, राइट। सो आई कैन जस्ट से फोटोवोल्टिक सेल्स are made up of semiconductors, into bracket में लिखता हूं silicon, right, silicon, which are capable of converting solar energy into electrical energy. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे हमारे सेल्स होते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये छोटा सा सेल है फोटोवोल्टिक सेल्स, फिर सिर्फ अभी समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, छोटा सा सेल है, इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट गिरेगी, राइट, इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरेगी ये क्या करेगा, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, एक छोटा सा फोटोवोल्टिक सेल, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का, अगर मेरे पास फोटोवोल्टिक सेल है, इफ दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज, दैट इज लेंथ एंड विड्थ बोथ आर 1 सेंटीमीटर, राइट, एक रेक्टेंगल है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल, इतना छोटा सा भी होगा
तो इट कैन जनरेट अबाउट 30 मिली एम्पियर ऑफ करंट. अगर इस पे सनलाइट गिरेगी ना तो इट कैन जनरेट अराउंड 30 मिली एम्पियर ऑफ करंट. इतना करंट जनरेट कर सकता है वो. एट द सेम टाइम इट कैन जनरेट अबाउट 0.5 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इतना पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट कर सकता है. दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? बराबर. जब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो अगर एक छोटा सा 1 cm² का भी अगर मेरे पास साइज का है, तो इतना मैं क्या जनरेट कर सकता हूं, हमारा करंट, और इतना वोल्टेज जनरेट कर सकता हूं, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस मैं जनरेट कर सकता हूं वोल्ट्स में. अगर दोस्तों मैं बड़ा वाला अगर फोटोवोल्टेइक सेल लेता हूं, ये तो 1 cm/1 cm का ही था. अगर मैं 10x10 का लेता हूं, यानी 10x10 यानी 100 cm² का लेता हूं, तो क्या होगा? सो इफ दिस फोटोवोल्टेइक सेल इज ऑफ 100 cm² साइज एरिया, ये साइज का है, तो दोस्तों जितना बड़ा साइज उतने टाइम से हमारे करंट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे? करंट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज, यू नो, 30 मिली एम्पियर्स का मतलब 30 × 10⁻³, राइट? कन्वर्जन आप लोगों को पता है, तो मैं साइड में जरा बताता हूं. तो अगर 1 cm² था तो कितना जनरेट करता था? 30 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, राइट? दिस इज नथिंग बट आवर एम्पियर वैल्यू. तो व्हाट आई कैन से इज, यू नो, मिली एम्पियर 10⁻³. सो नाउ 1 cm² कैन प्रोड्यूस, अगर इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकता हूं क्या? लेट्स ट्राई एंड डू दैट. सो 10 मतलब 10 विल गो देयर, सो दिस विल बिकम 3 × 10⁻², एम्पियर, राइट? सो 1 cm² कैन जनरेट दिस मच एम्पियर. सो नाउ अगर मेरे पास 100 cm² है तो कितना? सो जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 100. सो 100 cm² विल बी दिस इंटू 100, राइट, एम्पियर. सो 100 × 10⁻², चला जाएगा, राइट? बिकॉज 10⁻² इज 1/100 कैंसिल. सो देयरफॉर 100 cm² विल जनरेट 3 एम्पियर ऑफ करंट. ओके, सो देयरफॉर अगर मेरे पास इतने बड़े साइज का फोटोवोल्टेइक सेल है, 1 cm/1 cm का था, तो इतना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, राइट? पर अगर मेरे पास 10x10 यानी 100 cm² एरिया साइज का फोटोवोल्टेइक सेल है, then it will generate how much? It will generate 3 amperes of current. But dosto remember, the potential difference will be the same. Wo jo 0.5 volt generate kar raha tha, utna hi yahan hone wala hai. So it will only generate 0.5 volts potential difference. Potential difference. Okay, fine. So therefore I can say, if you increase the size of the photovoltaic cell, the current goes on increasing, but the potential difference remains the same. Okay, so increasing the size comma increases current, but potential difference is independent of the size. Difference is independent of the size, or I can say independent of area of the photovoltaic cell. ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया. आसान सी चीज है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, करंट साइज के साथ बड़ा होता जाएगा. और ये जो फोटोवोल्टेइक सेल है दोस्तों, we can connect them in series as well as we can connect them in parallel, right? हमें पता है series parallel combination कैसा होता है. So let's say if I have a cell and series में मैं उन्हें connect करूँगा. Series का मतलब one after the other, right? So अगर मेरे